पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह के पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम का दूसरा आयोजन जमशेदपुर पोटका के गीतिलता हाई स्कूल में किया गया, जिसमें छात्र छात्रों को शिक्षा के महत्व को समझाया गया। वहीं इस संबंध में पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को बताना और आईएएस और आईपीएस बनने के लिए आपको क्या करना है और खेल के प्रति आपको आगे कैसे बढ़ना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह की एक अच्छी पहल है, इससे बच्चों में काफी ज्ञान बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व जिला परिषद सदस्य करुणामय मंडल, मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो समेत स्कूल के शिक्षक उपस्थित रहे। मेरा टीम बहुत सक्रिय है सर, क्रेडिट गोज टू टीम सर, अकेले कुछ नहीं होता। झारखंडी पाठशाला दर्शनम कार्यक्रम जो मैं विगत 16 तारीख से शुरू किया हूँ इसी महीने का, उसी के कड़ी में ये अगला पड़ाव था। आज पोटका स्थित लिट्टी गट्टा जगह में हम लोग हाई स्कूल में ये कार्यक्रम का आयोजन किए। बड़ा अच्छा लगा बच्चों से बात करके, और ये एक मेरा मोटिवेशनल कार्यक्रम है। इसमें क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, आज के 50 साल पहले पलामू के बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र में मैं पढ़ता था, तो 50 साल में क्या बदलाव हुआ है ये देखना और बच्चों से बेसिकली इंटरेक्ट